नमस्कार, फुटकर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप सभी को बताया था कि अब 18 वर्ष के ऊपर के लोग भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, और हमने आप सभी की बात ममता त्रिपाठी से कराई थी, जिन्होंने बताया कि इस टीके को लगवाना कितना ज़रूरी है और ये टीका किस तरह से आपके शरीर को इस महामारी से लड़ने में मदद करता है। आज मैं आप सभी के लिए एक और जानकारी लेकर आई हूँ, और ये जानकारी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ लोगों के पास ना तो एंड्रॉयड फ़ोन है ना ही इंटरनेट सुविधा, पर ये टीका तो उन सभी लोगों के लिए है। और इस टीके को गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है CSC ने, यानी कॉमन सर्विस सेंटर ने, जो कई सालों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद करता चला आ रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने निकट के CSC सेंटर जाइए और अपने वियली से कहिए कि आपको इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो टीकाकरण है उसके लिए पंजीकरण कराना है। और जो भी CSC वियली हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये अनुरोध करूंगी कि वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें इस टीके को लगवाने के लिए। ये टीका वाकई में बहुत कारगर है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप इस वेबसाइट यानी cowin.cscloud.in पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके बाद आप लॉगिन विद CSC पर क्लिक करिए। और यहाँ इस पेज को ओपन होने के बाद आप अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं, यूज़र नेम या फिर अपना ईमेल आईडी भरिए और अपना पासवर्ड भरिए। इसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आप आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे। और मैं एक बार फिर से आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि टीका ज़रूर लगवाइए और इस कोरोना को हराइए। नमस्कार।